सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, NMDC लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जिनके पोर्टफोलियो में NMDC लिमिटेड है तो डिविडेंड मिलने वाले हैं निवेशकों को, और शेयर प्राइस है 220 में आज ये कारोबार कर रहा है। तो आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, रिव्यू करते हैं, NMDC के ऊपर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो पिछले एक साल का रिटर्न 55% का है दोस्तों, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है तो डिविडेंड का रिकॉर्ड भी अच्छा है इसका, और डीमर्जर भी हुआ था तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों को एक अच्छा मुनाफा दिया है। बट शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। 286.35 रुपया इसने हाई बनाया, वहाँ से गिर कर ये 200 के आसपास आ गया, 221 के आसपास आज ये कारोबार कर रहा है। पिछले एक साल की बात करते हैं तो 135 से बढ़कर ये 286 तक गया था, तो एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ था पिछले एक साल की बात करते हैं। तो अभी भी 55% का रिटर्न है निवेशकों को, जिनका निवेश है, जिन्होंने 200 के नीचे या 150 के आसपास खरीदारी की है, 221 में स्टॉक है, अभी भी उन निवेशकों को प्रॉफिट है, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो आगे डिविडेंड भी मिलने वाला है, और जो निवेशकों ने 221 के ऊपर खरीदारी की है वो निवेशक एक तरह से सोच रहे होंगे कब मेरा प्राइस आए। तो जो चिंतित हैं उनको अब डिविडेंड मिलने वाला है कंपनी के द्वारा। आगे इसके दूसरी तिमाही के भी नतीजे आएंगे, वो किस प्रकार के नतीजे रह सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। NMDC लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो नेशनल मेडनर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है, PSU कंपनी है, स्टॉक प्राइस 221 में है, और डिविडेंड का जो अपडेट है 1.50 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है, और एक्स डेट नज़दीक आ रही है दोस्तों, 17 सितंबर 2024 एक्स डेट है। तो जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है, 221 के ऊपर की तरफ स्टॉक को लिया है, तो डिविडेंड मिलेगा 1.50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। ये डिविडेंड का अपडेट है। आगे दूसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे, इसके बिजनेस की बात करते हैं, दूसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे, आगे सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, और लास्ट क्वार्टर में जो इसका रेवेन्यू था 5779 करोड़ का था, कंपनी का जो प्रॉफिट था 1963 करोड़ का था। ये जून के क्वार्टर के नंबर्स हैं, जून में अच्छा प्रॉफिट आया था कंपनी को। और अब जैसे कि दूसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे, सितंबर के क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, तो एक साल पहले सितंबर के क्वार्टर में 4335 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, कंपनी का जो प्रॉफिट था 1025 करोड़ का था। तो ये जो क्वार्टर के नंबर्स आ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, इसमें देखना पड़ेगा कि कितनी ग्रोथ रहती है सालाना और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की बात करते हैं, 63155 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 87 का है, डिविडेंड यील्ड है 3.36% का, डिविडेंड का रिकॉर्ड ठीक ठाक है इसका, और EPS है 20 का, ROE है 21 का, PE रेशियो है 10 का दोस्तों। तो इसके बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक में पोटेंशियल है, बट जो तेजी बनी है पिछले एक साल में 135 से बढ़कर 286 तक पहुंचा है, तो मुनाफा वसूली देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक 220 के आसपास आज के दिन ये कारोबार कर रहा है। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 220.90 रुपये में स्टॉक है, 55% का रिटर्न है निवेशकों को, जिन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड से अलग कमाई हुई होगी, फिर से डिविडेंड मिलने वाला है निवेशकों को। और 286.35 रुपये का इसने हाई बनाया, 135.65 रुपया लो है, तो सालाना देखते हैं तो एक तेज़ी बनी है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, बट मई जून के महीने से स्टॉक में एक तरह से गिरावट है, शॉर्ट टर्म में एक तरह से बेयरिश ट्रेंड बना हुआ है, और जो बेचने वाले हैं बियर्स हैं वो एक तरह से भारी देखने को मिल रहे हैं। का जो रेजिस्टेंस होगा 226.23 रुपये का होगा, इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा इसका वो होगा 235.91 रुपये का, ऊपर निकलता है तो स्टॉक हमें 244 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगले नतीजों तक। नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक में एक तेज़ी भी बन सकती है, और जो सपोर्ट रहेगा इसका, जैसे कि अभी 200 के आसपास का एक सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी। तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ ले लिया है 235, 240, 250 या उसके ऊपर भी ले लिया, थोड़ा बहुत समय और दें, नेक्स्ट 3-4 महीना समय और दें, वो भी प्राइस आएगा,
ऊपर का जो 250 260 भी प्राइज आएगा, समय देना चाहिए। जब आपका प्राइज आ जाए तब डिसाइड करें क्या करना है। किसी भी शेयर में अगर आप निवेश कर रहे हैं या डिविडेंड के लिए प्ले किया था तो स्टॉक गिर गया तो समय देना पड़ता है दोस्तों। अब थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। दिसंबर मार्च तक स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। समय होने पर यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई जो है 286.35 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई दे। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है, डिविडेंड के लिए पोर्टफोलियो में रखा है, तो स्टॉक में तेज़ी बनेगी आगे आने वाले समय में। नेक्स्ट 6 महीने में उतार चढ़ाव रहेगा तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और जिनके पास कम समय है, तेज़ी बनती है, तो अपना डिसाइड करें क्या करना है। तो ये NMDC का अभी तक का अपडेट है। नेक्स्ट जो अपडेट होगा कंपनी की तरफ से उसका अपडेट किया जाएगा, या दूसरी तिमाही के जो नतीजे आएंगे उसका अपडेट किया जाएगा दोस्तों।